हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता मेहता और आज हम बात करने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक सीरीज़ उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हों। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट आर सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सीक्वेंसेस जो हैं वो एक नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर होने वाली मैपिंग को हम बोलते हैं। वहाँ से जो हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं, एक फंक्शन में n को 1, 2, 3, 4 पुट करने पर जो इमेजेस फॉर्म होती हैं, दैट विल नोन एज आर सीक्वेंस। या हम सीक्वेंस को बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। आज हम उन्हीं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब कहलाता है जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी उसकी nth टर्म पर अप्लाई करें और वो कोई फाइनाइट या यूनिक वैल्यू हमें देता है। यानी कि जैसे जैसे जो हमारी सीरीज़ है या जो हमारा सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जो वैल्यू है सीक्वेंस की वो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, देन दैट सीक्वेंस इज़ नोन एज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस डाइवर्जेंट तब कहलाता है, जैसे कि हमने बात करी थी, कन्वर्जेंट तब कहलाता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें एक पर्टिकुलर फाइनाइट यूनिक वैल्यू मिलती है, कोई पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर मिलता है। अगर हमें उसकी जगह इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलता है, दैन द सीक्वेंस इज नोन एज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। सीक्वेंसेस दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट सीक्वेंस को या उसके टर्म्स को ऐड अप कर दें, यानी कि उनका सम कर दें, उन सारे टर्म्स के बीच में प्लस लगा दें, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज हमें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एक सीक्वेंस दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, 36। अगर इनके बीच में मैं प्लस लगा दूँ या इन सारे टर्म्स को मैं ऐड कर दूं, तो हमें एक इनफाइनाइट सीरीज़ मिल जाएगी। अब इस इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहला टेस्ट देखते हैं, एन ए टर्म टेस्ट। एन ए टर्म टेस्ट में आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की एन ए टर्म पर ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन पर अप्लाई करें तो जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, और दूसरी बात, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, यहाँ पे ए एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो जो हमारी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी। ये टेस्ट हम डाइवर्जेंस चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कन्वर्जेंस के लिए नहीं। इसी वजह से ये जो एन ए टर्म टेस्ट है इसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ पी सीरीज टेस्ट। P फॉर पावर। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज़ है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है 1/1 to the power p प्लस 1/2 to the power p प्लस 1/3 to the power p एंड सो ऑन, अगर इस टाइप की स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज़ हमारे पास है जिसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं या जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 करके इंक्रीज हो रहे हैं, बट द पावर रिमेंस सेम ऑन ऑल द टर्म्स, तब इस पावर को आइडेंटिफाई करके हम पता लगा सकते हैं जो हमारा सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अगर ये पावर 1 से बड़ी है, देन द सीरीज़ विल बी कन्वर्जेंट, और अगर 1 से छोटी या 1 के बराबर है, देन दिस सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट। अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, यानी कि एक ऐसी सीरीज़ जिनके टर्म्स का रेशियो कॉमन होता है, इस टाइप की सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। तो अगर इस सीरीज़ के बारे में हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता करना है तो हम सिर्फ आर से, यानी कि उनके कॉमन रेशियो से पता लगा सकते हैं। अगर मॉड आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है तब सीरीज़ डाइवर्जेंस कहलाती है, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ डाइवर्जेंस कहलाती है, और 0 और 1 के बीच में लाया करता है तब वो वैल्यू या वो सीरीज़ कन्वर्जेंट कहलाती है।
नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगे होते हैं। अभी जो पीछे जो टेस्ट थे वो हमारे पॉजिटिव सीरीज के थे, यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस हमारी सीरीज के टर्म्स के बीच में लगे होते हैं। तो ये सीरीज या ये टेस्ट हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लगाते हैं और इस टेस्ट का नाम लेबनीज टेस्ट भी है। तो अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो हमें दो कंडीशन देखनी है। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब जो हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट कहलाती है। कंडीशन वन इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है, जो टर्म्स है सीरीज के, दैट शुड बी इन अ डिक्रीजिंग फैशन, यानी कि ए एन प्लस वन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए एन। हर टर्म नेक्स्ट टर्म से या प्रीवियस टर्म से छोटा होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज में। अगर ये कंडीशन फॉलो होती हैं तब बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो हमारा सीरीज है दैट विल बी कन्वर्जन। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।